नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज स्पोर्ट्स। अब देखिए, बृजभूषण को लेकर काफी सारे जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, पहलवानों को लेकर भी काफी सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। क्या सवाल है? सवाल ये है कि क्या बृजभूषण असलियत में आरोपी है? अब क्यों है? क्योंकि देखिए, पहलवानों ने जो आरोप लगाए वो तो लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि वो पॉस्को एक्ट जो है, अगर वो किसी भी इंसान पर, जो आम आदमी है, जो आम नागरिक है, अगर पॉस्को एक्ट लग जाता है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होती है और दिल्ली पुलिस देखिए उसको नहीं छोड़ सकती। उसके बाद प्रावधान ही नहीं, कोर्ट से ही देखिए उसको बेल मिलेगी अगर मिलती है तो, वरना बेल का भी कुछ खास प्रावधान नहीं है इसमें। तो सवाल तो यही है कि अभी तक देखिए गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जबकि पॉस्को एक्ट में ये केस जो है वो दर्ज किया गया है, FIR की गई है। पहलवानों पर सवाल क्या उठ रहे हैं? पहलवानों पर सवाल ये उठ रहे हैं कि जो पहलवान है उनका जो धरना प्रदर्शन है वो राजनीति से प्रेरित है। अब क्यों प्रेरित है? प्रेरित इसलिए है क्योंकि जब जनवरी में बैठे थे तो देखिए कुछ खास राजनीतिक माहौल यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब जब बैठे हैं तो उनके बयान दर बयान बदलते जा रहे हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आकर देखिए अपना राजनीतिक एजेंडा जो है वहां पे फैला रही हैं, जिससे पहलवान बदनाम हो रहे हैं। उनका जो धरना प्रदर्शन है उसकी जो राह है वो अलग होती हुई दिखाई दे रही है। ये जो सवाल है वो जनता कर रही है बार बार। देखिए, हम भी वहां पे, हमारा जो न्यूज चैनल है नेक्स्ट नाइन न्यूज जो है, वो बार बार वहां पे जा रहा है, बातें कर रहा है, पहलवानों से बातें कर रहे हैं, हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज आपकी तरफ ला रहे हैं और उन सभी में पब्लिक से भी देखिए हम पूछ रहे हैं। तो पब्लिक का सवाल दोनों पक्षों से यही है कि आखिरकार जो इस बात को, क्योंकि एक तो बृजभूषण को लेकर यही था कि गिरफ्तारी क्यों नहीं, और पहलवानों को ये है कि आप इतनी राजनीति क्यों कर रहे हो। तो ये दोनों सवाल जो है वो दोनों से पूछे जा रहे हैं। अब जब दिल्ली पुलिस ने 6 सदस्यीय SIT की टीम जो है वो गठित कर दी है, तो उसमें उसको लेकर भी देखिए 1 महीने से भीतर भीतर जो रिपोर्ट है वो पेश होगी। अब देखने वाली बात है कि आखिरकार सही और गलत के फैसले में कौन सही होगा और कौन गलत होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज स्पोर्ट्स।